हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का आपके लिए मित्रों, जिसमें मैं आज आपको सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित मौन निमंत्रण का दूसरा खंड बताने वाला हूं, जो कि व्याख्या भाग होगा आपके लिए मित्रों। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रसिद्ध करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मौन निमंत्रण का दूसरा पार्ट, हिंदी व्याख्या। तो पूरी तरीके से आप इसको समझेंगे, ये पंक्तियाँ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो देखेंगे मित्रों, स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब भोर, बिहक कुल की कल कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन। तो ये कविता जो आपकी है मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सरल ढंग से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसमें। तो देखेंगे मित्रों, जो ये स्वर्ण सुख की बात की गई है, स्वर्ण सुख श्री सौरभ और फिर मे भोर। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, स्वर्ण सुख श्री का तात्पर्य होता है समृद्धि, आनंद, उल्लास से संबंधित ये शब्द बता रहे हैं कि स्वर्ण सुख श्री, श्री का मतलब सुख समृद्धि से युक्त जो आनंद या उल्लास होता है, सौरभ में भोर, ये लाइन। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों, कंठ, कल कंठ जो लिखा हुआ है शब्द आपको मिल रहा है, कल कंठ शब्द जो मिल रहा है मित्रों, कल कंठ का तात्पर्य होता है सुरीले गीत गाना, और भू नभ को कहते हैं मित्रों हिंदी में, इसका अर्थ होता है पृथ्वी से आकाश तक, यानी भू का मतलब पृथ्वी और नभ का मतलब आकाश, यानी पृथ्वी से आकाश तक को हम भू नभ कहते हैं। अलस पलक दल जो शब्द आया हुआ है, अलस पलक दल, इसको हम अलसाई आँखों की पलकें ऐसा कह सकते हैं, अलस पलक दल जो है। अब आप इसको समझेंगे मित्रों, जो इसका संदर्भ है वो पूर्वोत ही आपको जानना है। इसमें जो है प्रातः काल के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो स्वर्ण सुख सौरभ में भोर, देखेंगे मित्रों, प्रातः काल सूरज की कोमल अवड़ाभ धूप जब सब ओर फैल जाती है, अर्थात प्रातः काल के समय में जब सूरज की धूप चारों तरफ उसका प्रकाश फैल जाता है, और विश्व को देती है जब बोर, अर्थात पूरा ही संसार सुख समृद्धि से आनंदित होता है, बिहक कुल की कलकंठ हिलोर, पक्षियों के समुदाय अपने कोमल सुरीले कंठ से मधुर गीत गाते हुए प्रतीत होते हैं मित्रों। यानी जब सुबह होती है तो जो पक्षी सुबह के वक्त जब सूर्य निकलता है तो उस समय पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों के समुदाय को एकत्रित हो जाना, अपने कोमल सुरीले कंठ से मधुर गीत गाते हुए धरती और आकाश को गुंजित कर देती हैं। पक्षी की जो ध्वनियाँ होती हैं, जो उनके चहचहाने की आवाज़ें होती हैं, तो बिहक कुल का तात्पर्य होता है पक्षियों का जो समूह होता है, कि कल कंठ हिलोर, उनकी जो चहचहाहट है वो बहुत ही मधुर ढंग से सुबह प्रकट होती है। मिला देती भू नभ के छोर, ऐसा लगता है तब न जाने किस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से कर कि जो ऐसा लगता है कि पृथ्वी को आकाश से एक जुट कर दिया है, अर्थात एक समान दिखाई पड़ने लगती है मित्रों। न जाने किस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से कभी अलसाई आँखों की पलकें अचानक जो होती हैं, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। कब कहता है यहाँ पर कि कब की जो अलसाई आँखें हैं, क्योंकि वो रात्रि में सोया हुआ सुबह जगता है, तो उसकी जो अलसाई आँखें हैं वो अचानक खुल जाती हैं, और उसकी निरस्ता निरवता जो होती है वो भंग हो जाती है। कब यहाँ पर बताना चाहता है कि जिस अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से यह सब होता है, वो कब की कभी उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है कि किसकी प्रेरणा से ये सब होता है, कि सुबह होती है, रात्रि होती है, फिर सुबह होती है तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो स्वतः ही अपने कार्य में रत हो जाते हैं, लग जाते हैं,
तो इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है मित्रों। इसमें विशेष के रूप में आपको यही लिखना है कि यहाँ कवि द्वारा प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, शब्द विन्यास ध्यान देने योग्य मिल रहा है, तो ये आपको आप विशेष के रूप में लिखेंगे। अब हम आपको मित्रों दूसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगी। ये दूसरी कविता देखेंगे, तुमुल तम में जब एकाकार ऊंघता एक साथ संसार, भीरू झींगुर कुल की झनकार कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खदोतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। इस कविता में कवि जो है कह रहा है मित्रों कि जो कुतूहल है, जो भौंरे की गुनगुनाहट है, उस दृश्य को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि पावस की घनी अंधेरी रात में जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तुमुल तम अर्थात जो पावस की रात्रि है उस अंधकार में जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, जब एकाकार केवल स्वयं को ही अनुमान लगाया जा सकता है उस अंधकार से युक्त रात्रि में सब कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगता है, सब कुछ एक जैसा प्रतीत होने लगता है, उस समय का दृश्य यहाँ पर बता रहे हैं। जड़ चेतन निर्जीव सजीव सभी ऊँघने लगते हैं, ऊँघता एक साथ संसार, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, सभी क्या होने लगते हैं मित्रों, ऊँघने लगते हैं। ऊँघने का तात्पर्य होता है अलसाए हुए भाव को व्यक्त करते हैं यहाँ पर, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, सभी जीव और अचेतन सजीव सभी ऊँघते हुए दिखाई पड़ते हैं। कपा देती तंद्रा के तार, आगे देखें मित्रों, भीरू झींगुर कुल की झनकार, और डरपोक झींगुर कीटों के, जो आपने देखा होगा रात्रि के समय में झींगुरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, साय साय की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो इसको डरपोक झींगुरों कीटों के झनझनाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। भीर झींगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, जिससे अलसाए मनुष्यों का आलस्य दूर हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आती है मित्रों। न जाने खदोतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। चारों ओर जुगनुओं के चमकने की टिमटिमाहट प्रकाश दिखाई पड़ता है। कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खदोतों से कौन, अर्थात चारों तरफ खदोत का तात्पर्य होता है मित्रों जुगनुओं से, तो चारों ओर जुगनुओं की चमचमाहट और झींगुरों की आवाज़ रात्र की संकेत को पूरी तरह से कवि के हृदय में पिरो देती है कि वो सुनसान एकदम से अज्ञात रूप से वहाँ पर स्थित है। मंद प्रकाश में कवि को किसी अज्ञात अदृश्य सत्ता का आभास होता है। न जाने खदोतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि वो उसके विषय में क्या आभास होता है, उसको अदृश्य सत्ता का आभास हो रहा है, वो इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। मुझे पथ दिखलाता तब मौन, उसको न जाने खदोतों से कौन, उसको जानने के लिए कभी व्याकुल हो जाता है। इसमें विशेष के रूप में मित्रों आपको यही बताना है कि कोमल कांत पदावली के साथ साथ अनुप्रास और ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार की छटा इसमें दर्शनीय है। अगला पद आपको पढ़ना है मित्रों जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। ये अगला पद आपका है, कनक छाया में जबकि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभ पीड़ित मधुबों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दिग मौन। ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है मित्रों। इसमें देखेंगे कनक छाया शब्द आया हुआ है, कनक छाया से तात्पर्य होता है सुनहली धूप से, और सकाल शब्द आया हुआ है मित्रों। ये जो सकाल शब्द है, इस सकाल शब्द को प्रातःकाल के रूप में जानते हैं, और सुरभ पीड़ित का तात्पर्य यहाँ पर है, जो सुरभ पीड़ित शब्द आया हुआ है इसका मतलब है सुगंध से व्याकुल, और मधुब शब्द से तात्पर्य है मित्रों, मधुब शब्द आया हुआ है इसका तात्पर्य है भावरे से, और दीर्घ का मतलब होता है नेत्र। मित्रों जो दीर्घ शब्द आप देख रहे हैं इसमें, दीर्घ शब्द आया हुआ है इसका तात्पर्य होता है नेत्र या आँखों से। अब आप इसकी व्याख्या समझेंगे,
कनक छाया में जप की सकाल, अर्थात प्रातःकाल की सुनहरी धूप में जब प्रातःकाल होता है, उस सुनहरी धूप में जब खोलती कलिका उर के द्वार, जब कलियां चटक चटक कर खिलने लगती हैं, कलियां विस्फुटित होती हैं, कलियां खिलने का प्रयास करती हैं, जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है और उनकी जो सुगंध होती है, सुरभ पीड़ित मदपों के बाल, अर्थात उनकी जो सुगंध से व्याकुल होकर के भौंरे गुंजार करने लगते हैं, यानी जब प्रातःकाल होती है तो कलियां चटक चटक कर खिलने लगती हैं और उसकी सुगंध से व्याकुल होकर के भौंरे क्या करते हैं मित्रों, गुंजार करते हैं, सुरभ पीड़ित मदपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, फूल पत्तों और अटकी ओस की बूंदें धुलकने लगती हैं, जो बूंदें पत्तों पर लगी हुई होती हैं रात्रि में मित्रों, ओस की वो जो है धुलकने का प्रयास करती हैं, धुलकना प्रारंभ कर देती हैं जब सुबह होता है, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, तब बरबस कप का ध्यान प्रकृति अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वो उस अद्भुत सौंदर्य में छिपी अदृश्य सत्ता के विषय में जानने का प्रयास करता है, अर्थात जानने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो इस कविता में बस इतने ही भाव बताए गए हैं कि प्रातःकाल की सुनहरी धूप में जब कलियां चटक चटक कर खिलने लगती हैं और उनकी सुगंध में व्याकुल होकर भौंरे गुंजार करने लगते हैं मित्रों, फूल पत्तों पर अटकी ओस की बूंदें लुढ़कने लगती हैं, तब बरबस कप का ध्यान उस प्रकृति की शोभा की ओर आकर्षित हो जाता है और वो उस अदृश्य सौंदर्य में छिपी अदृश्य सत्ता के विषय में जानने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो इस कविता में प्रकृति की ओर खिंचाव के विषय में कवि के प्रति बताया गया है मित्रों, जो कि प्रकृति के प्रति उसकी खिंचाव, उसके व्याकुलता को विस्तार से समझाया गया है। इसमें जो विशेष आपको लिखना है, विशेष में आप यही लिखेंगे, छायावादी शैली की वेदना विवृत व्यंजित है, और दूसरी पॉइंट में आपको लिखना है, कली और मधुप में मानवीकरण तथा न जाने मौन में उत्प्रेक्षालंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये पोएम भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर इंस्टीट्यूट में जो है ये पोएम कंटिन्यूसली पूछी जा रही है। अब हम आपको अगली कविता की ओर ले चल रहे हैं, ये अगली कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाली है मित्रों, देखेंगे अगली कविता जो आपकी है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं व्याकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में कौन। ये कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगी, तो इसको देखेंगे मित्रों, जो कुछ शब्द हैं उस काठिन्य निवारण को मैं कर दे रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे पहला जो शब्द आया हुआ है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, इसमें आप देखेंगे सुवर्ण अवसान, ये सुवर्ण अवसान जो शब्द आया हुआ है, सुवर्ण अवसान को कहते हैं स्वर्णिम संध्या, सुवर्ण अवसान को हिंदी में कहेंगे मित्रों स्वर्णिम संध्या, और शून्य सैया ये दूसरा शब्द जो आपका है शून्य सैया, इस शून्य सैया को कहते हैं निर्जन स्थान में स्थित शयन का आसन, जो निर्जन स्थान में है, एकांत स्थान में स्थित है शयन का आसन, उसको हम शून्य सैया के रूप में जानते हैं। और दूसरा शब्द जो आपका है श्रमित, ये श्रमित शब्द जो है थका हुआ से तात्पर्य रखता है मित्रों, थकान को बताता है, और इसके बाद जो है आकुल प्राण, यानी आकुल प्राण जो शब्द आया हुआ है, ये आकुल प्राण जो है व्याकुल चित्त को, अर्थात व्याकुल मन को, परेशान मन को बता रहा है। और छाया जग, ये अगला शब्द जो है मित्रों, ये छाया जग जो शब्द आया हुआ है, इस छाया जग को कहते हैं कल्पना का संसार, एक कल्पना का संसार है, ये जो वर्ड है, जो संसार है मित्रों, एक छाया जग के रूप में है, एक छाया के रूप में है, जो कि हमारे साथ रहता है और एक कल्पना के रूप में होता है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे। अब आप इसकी व्याख्या की ओर सब ध्यान दें, तो व्याख्या में आपको बिछा कार्यों का गुरुतर भार देखेंगे, यहाँ पर दिन भर का जो काम है, जो बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं मित्रों, जो दिन भर के कार्य से थके हुए हैं, बोझ नीचे दबे रहने के बाद स्वर्णिम संध्या के आगमन पर जब कभी निर्जन स्थान में स्थित अपने शयन कक्ष में जाता है, अर्थात पूरे दिन कार्य करने के पश्चात निर्जन स्थान पर कभी सोने के लिए जाता है मित्रों, पिछा कार्यों का गुरुतर भार, अर्थात कठोर कार्य श्रम करने के पश्चात दिवस को दे सुवर्ण अवसान,
जब पूरे दिन ढल जाते हैं तो रात्रि के समय में निर्जन स्थान में कब स्थित स्थान में स्थित अपने शयन कक्ष में जाता है। कौन जाता है मित्रों? कब जाता है? शून्य सैया में श्रमित अपार अपार वो थकावट को दूर करने के लिए निश्चिंत होकर विश्राम करने लगता है मित्रों। शून्य सैया में श्रमित अपार अर्थात शून्य सैया में उस निर्जन स्थान पर जाकर के उस थकान को दूर करने के लिए वो आराम करने लगता है। जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण तन मन के ताप से छुटकारा पाकर शीतलता को की अनुभूति करता है का अनुभव करता है तब मीठे सपनों में खो जाता है। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, यहाँ पर देखेंगे लाइन मित्रों, न जाने मुझे स्वप्न में कौन अर्थात जब वो निद्रा में होता है सो जाता है तो उसे मीठे सपनों का आभास होता है, उसमें वो खो जाता है, वो कल्पना लोक में विचरने लगता है मित्रों। न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिर आता छाया जग में कौन, फिर पुनः कब कह रहा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सोते समय कवि को उस कल्पित संसार में ले जाकर उसका मनोरंजन करती है, कभी उसके विषय में जानने के लिए बेचैन हो उठता है। तो ये भाव यहाँ पर बताया गया है कि जो दिन भर की थकान से थका हुआ बोझिल कवि अपनी निद्रा को पूरा करने के लिए निर्जन स्थान पर जाता है तो जब वो सो जाता है तो सो जाने के पश्चात उसको उस मधुर स्वप्न की याद आती है, वो मधुर स्वप्न में खो जाता है और उस अदृश्य शक्ति को जानने के लिए उस मधुर शक्ति में उस स्वप्न में क्या है उस शक्ति को आभास करने के लिए पूरी तरह से कल्पना में लीन हो जाता है। तो उस कल्पना रूपी संसार को जानने के लिए पूरी तरह से कवि जो है उतावला हो जाता है, बेचैन हो जाता है कि यह कल्पना से युक्त अलग संसार क्या है इसके विषय में वो जानने का प्रयास करता है मित्रों। तो इसमें आपको व्याख्या के रूप में इतना ही लिखना है, उसके पश्चात आप विशेष में आपको यही लिखना है मित्रों कि कोमलकांत पदावली एवं अनुप्रास शब्दावली की छटा दर्शनीय है। इसमें अनुप्रास शब्दावली का प्रयोग किया गया है और कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है, तो ये पोएम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रही है मित्रों। अब मैं आपको अगली कविता की ओर ले चल रहा हूँ, ये अगली कविता आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगी। ये अगली कविता है मित्रों, न जाने कौन आए दुतिमान, न जाने कौन आए दुतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है मित्रों। ये जो कविता आपने अभी तक समझा है ये अंतिम कविता है मौन निमंत्रण की, तो मौन निमंत्रण की अंतिम कविता आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाली है। तो इसको देखेंगे मित्रों, इसमें शब्द आया हुआ है छविधाम। ये छविधाम जो शब्द आया हुआ है मित्रों बहुत ही, तो देखेंगे मित्रों ये अंतिम कविता जो आपकी है मोस्ट इंटरेस्टेड पोएम आपके लिए है, बहुत ही इंटरेस्टेड कविता है। इसमें जो ऊपर का शब्द देख रहे हैं आप मित्रों, इसमें द्युतिमान लिखा हुआ है, द्युतिमान, तो इस द्युतिमान को हम सौंदर्य के धाम के रूप में जानते हैं, इसको छविधाम भी कहते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं फूंक देते छिद्रों में जान अर्थात जो अपने प्रभाव से जड़ को चेतन में बना देते हो, जैसे बांसुरी के छेद में हवा फूंकने से वह बजने लगती है, उसी प्रकार जो जड़ चीज़ें हैं जो जड़ हैं उनको चेतन में परिवर्तित कर देने की जो शक्ति है प्रकृति में मित्रों उससे संबंधित बात बताई गई यहाँ पे। और सहचर का तात्पर्य होता है, सहचर का मतलब होता है साथ साथ रहने वाला। अब आप इसकी व्याख्या को देखेंगे, बहुत ही सरल ढंग से आपको व्याख्या समझ में आएगी मित्रों। देखेंगे, न जाने कौन आए दुत्मान, न जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। तो देखेंगे मित्रों प्रकृति के कणकण में जिसका सौंदर्य समाया हुआ है, न जाने कौन अये दुत्मान अर्थात जिसका सौंदर्य जो है प्रकृति के कणकण में समाया हुआ है अर्थात जिस सौंदर्य निधान सत्ता को ग्रहण करके प्रकृति का कणकण सुंदर प्रतीत होने लगता है मित्रों, वह अदृश्य शक्ति मनुष्य को अबोध और अनजान समझकर अपने संकेतों पर नृत्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। कहने का मतलब जान मुझको अबोध अज्ञान, जो प्राणी होते हैं जो इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले जो जीव हैं
जो चेतन है उनको प्रकृति जो है एक तरह से अपने संकेत के माध्यम से नृत्य करने के लिए प्रेरित करती है। नृत्य करने का तात्पर्य होता है खुशी को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना तथा अपने कार्य में लग जाना। जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, अर्थात उसे विवश करती है प्रकृति, अर्थात मानव मात्र उसी के संकेतों पर कार्य कर रहा है। किसके संकेत पर कार्य कर रहा है? उस प्रकृति के ही संकेत पर जो मानव है इस पृथ्वी लोक पर मित्रों वो कार्य करते हुए अपने जीवन को बिता देता है। सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अर्थात जिस प्रकार बांस की बांसुरी में अपनी कोई आवाज़ नहीं होती फिर भी बजाने वाला फूंक मार करके उसमें जो है ध्वनियाँ उत्पन्न कर देता है, बांस की बांसुरी को ध्वनि उत्पन्न कर देता है मित्रों, उसी प्रकार जो जड़ जगत में जो कुछ भी चेतन सत्ता है वो सब उसी अदृश्य का अंश है, अर्थात उसी प्रकृति अर्थात उसी ईश्वर का जो है अंश है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि प्रकृति ही सब कुछ कराती है मित्रों। फूंक देती छिद्रों में गान, अर्थात उस बांसुरी के छिद्रों में अर्थात उस बांसुरी में कोई ध्वनि नहीं है लेकिन जो फूकने वाला उस ध्वनि को फूकता है, उस बांसुरी को बजाता है तो उसमें से तरह तरह की ध्वनियाँ निकल उठती हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों जो इस पृथ्वी लोक पे जो जीव चेतन रह रहे हैं वो उस प्रकृति की गोद में ही रह रहे हैं। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही उनसे करवाती है, वैसा ही उनको आगे बढ़ने का की प्रेरणा देती है मित्रों। यह भाव यहाँ बताया गया है। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। फिर यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस अदृश्य सत्ता के विषय में कवि कहता है कि वह चेतन सत्ता सदैव सुख दुख में हमारे साथ रहती है किंतु हम उसके सौंदर्य स्वरूप को प्रयत्न करके भी नहीं समझ पाते हैं, अर्थात उसके स्वरूप को, उसके दृश्य को, उसके जो है यथार्थता को प्रयत्न करते हुए भी समझ पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। नहीं कह सकता तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानने का पूरा ही प्रयास करता हूँ लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम कौन हो। ये बात कवि स्वयं कह रहा है मित्रों, प्रकृति के विषय में कह रहा है। तो ये अंतिम कविता आपकी थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही प्रकृति के सन्निकट अपने भाव को प्रकट करने वाली कविता थी मित्रों, जिसमें कि मौन निमंत्रण के विषय में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि प्रकृति हमको मौन निमंत्रण देती है, उस मौन निमंत्रण को हमें समझना चाहिए। हम यदि उसको समझ जाते हैं तो प्रकृति के समीप हम होते हुए पूरे ही भाव से उसकी तन्मयता को, उसकी सुंदरता को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये आपकी अंतिम कविता थी मित्रों मौन निमंत्रण की। इसमें जो आपको विशेष लिखना है, विशेष में आप यही लिखेंगे कि इस कविता में की अंतिम पंक्तियों में कवि जिज्ञासा चरम सीमा की पहुंच गई है, अर्थात जो कवि की जिज्ञासा है वो चरम सीमा पर पहुंची हुई दिखाई पड़ती है और वह जड़ चेतनमय चेतनामय संपूर्ण विश्व को उसी एक अदृश्य चेतन सत्ता का अंश मानने लगा है। यानी कवि जो है संसार में जो भी प्राणी जड़ चेतन हैं वो सब प्रकृति की सत्ता के ही रूप में हैं, यह कवि का मानना है। इस भाव को कवि यहाँ पर व्यक्त कर रहा है जो कि विशेष के माध्यम से आपको यही इतना लिखना है मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि आपने एक से लेकर के मित्रों जितनी भी कविताएँ इसमें पढ़ी है ये सभी कविताएँ आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रही हैं। तो ये आपकी लास्ट कविता थी मौन निमंत्रण की और लास्ट पोएम में जो द्वितीय भाग है व्याख्या खंड हमने जो आपको दिया है इसमें आपको 5 कविताएँ मिल रही हैं। पहली कविता ये है और दूसरी तुमुल तम में जब एकाकार ये कविता, इसके बाद कनक छाया में जबकि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार और इसके पश्चात मित्रों बिछा कार्यों का गुरतर भार ये कविता और ये अंतिम कविता मित्रों न जाने कौन आए दुतमान। तो इस तरह से मैंने 5 कविता का भावार्थ उसकी व्याख्या आपको दिया हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। इसके पश्चात मित्रों आपको प्रथम रस्म की व्याख्या बताई जाएगी। तो मैं चाहूँगा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रसिद्ध करेंगे मित्रों तथा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप संपूर्ण हिंदी काव्य की व्याख्या को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।